मेकर्स ने कृष्णा को मामा गोविंदा के साथ स्टेज शेयर करने से किया मना, बोले ये बहुत दुखद था। कपिल शर्मा के रियलिटी शो द कपिल शर्मा शो में कृष्णा अभिषेक सपना का किरदार निभाते नजर आते हैं। दर्शक कपिल के अलावा कृष्णा के काम को भी बहुत पसंद करते हैं। हाल ही में कपिल के शो में कृष्णा के मामा गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता के साथ पहुंचे थे। इस बीच कृष्णा उनके सामने नहीं आए। अब खबर है कि गोविंदा की पत्नी नहीं चाहती थी कि जब वो स्टेज पर हो तो कृष्णा अपना एक्ट करने आए। इससे पता चलता है कि गोविंदा और कृष्णा के बीच की खटास अभी भी खत्म नहीं हुई है। हाल ही में बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कृष्णा ने बताया, मुझे टीम ने कहा था कि सुनीत नहीं चाहती कि मैं उस सेगमेंट का हिस्सा बनूं, इसलिए उनकी एंट्री से पहले मैंने अपना एक्ट खत्म किया। ये दुखद और शॉकिंग था क्योंकि मेरा कैरेक्टर सपना शो का अहम हिस्सा है। हालांकि मैंने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए कोई हंगामा न करने का फैसला किया क्योंकि ये नर्मदा का बड़ा दिन था। वे सभी नर्मदा की एल्बम को प्रमोट करने आए थे। अगर मैं बड़ा भाई होने के नाते अपनी छोटी बहन के लिए ये कर सकता हूँ तो मैं भी अपने बड़ों से वैसी ही उम्मीद रखता हूँ। ये बहुत दुखद है कि चीची मामा नहीं चाहते कि हम लड़े और पब्लिक में अपने मुद्दे लाएं। उस बीच ऐसा कुछ होता है, कृष्णा ने ये भी बताया कि उनका और गोविंदा का पैचअप हो चुका है। कृष्णा ने कहा, चीची मामा और मैंने 6 महीने पहले ही पैचअप कर लिया था। मैं कई बार उनसे मिलने उनके घर गया हूँ, हम संपर्क में हैं। 20 दिन पहले मैं उनसे दुबई में मिला था। उन्होंने मुझे मामी से रिश्ते सुधारने के लिए कहा था लेकिन वो अभी भी नाराज हैं। मैं अपनी मेहनत के कारण बना हूँ। हाँ, मामा ने मेरी मदद की जब मैं यंग था, लेकिन हमने काम के लिए कभी उनसे मदद नहीं मांगी। बता दें कि कुछ समय पहले कृष्णा की पत्नी कश्मीरा ने एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, कुछ लोग पैसों के लिए नाचते हैं। सुनीता को लगा था कि ये ट्वीट उनके पति गोविंदा के लिए था। इसके बाद दोनों के संबंध बिगड़ते चले गए। वहीं कृष्णा ने कहा था कि कश्मीरा ने ये ट्वीट उनकी बहन आरती सिंह के लिए किया था।